हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, बहुत बहुत दिनों बाद आज मेरा ब्लॉग आ रहा है और ये ब्लॉग मैंने काफ़ी टाइम पहले शूट करके रख लिया था पर अपलोड नहीं कर पाई किसी वजह से, तो फाइनली आज अपलोड कर रही हूँ। और अभी हम लोग बैठे हैं बस में और जा रहे हैं लखनऊ, और यहाँ पर मैं हूँ और मेरी छोटी सिस्टर है, हस्बैंड जी हैं, चीकू हैं, तो सब लोग फाइनली लखनऊ पहुँच गए हैं। तो हम लोग यहाँ बस से आए थे और उसके बाद अब हम यहाँ पे कैब के लिए रुके हुए हैं। कैब आ जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे आगे जहाँ हमें जाना है। तो यहाँ पे मैं, चीकू, सब लोग खड़े हैं और उस टाइम पे गर्मी थी, तो आप समझ सकते हैं कि 2-3 महीने पहले का ये वीडियो है और मैं नहीं डाल पाई थी। और यहाँ पे हमारी कैब आ गई है, हम लोग बैठ रहे हैं इसमें। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चीकू की मस्ती फुल चल रही है और इनका बाल नहीं है अभी इनके सर पे, तो गर्मी थी तो इसलिए मैंने इनका बाल मुंडवा दिया था, क्योंकि बाल इनके बहुत कम हैं तो मैंने सोचा एक दो बार बाल इनके उतरवा दूँ जिससे कि थोड़े घने हो जाएं। अभी छोटे हैं तो चल जाएगा, बड़े होने के बाद तो ये अपने बाल में हाथ नहीं लगवाने देंगे, क्योंकि अभी ही बोल रहे थे मम्मा क्यों मेरे बाल उतरवा रही हो, तो ज़रूरी था इसलिए मैंने हटवा दिया बाल। और बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। सो गाइज, हम तीनों साथ में आए हैं, मैंने गौरी भी थी तो मैंने सोचा गौरी को भी साथ ले चलूं। और यहाँ पे हम लोग आए हैं चीकू की आँख दिखाने, काफ़ी टाइम हो गया था और इनको हर 3rd महीने दिखाना होता है, तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और ये इनका ही हॉस्पिटल है, तो हम लोग इनका जो है इलाज लखनऊ में ही करा रहे हैं। तो हमने काफ़ी जगह पूछ के और मतलब कई जगह हमने सर्च किया, उसके बाद हम यहाँ पर इनकी आँख को दिखा रहे हैं। गाइज, यहाँ पे हम लोग आते ही रिसेप्शन पे आ गए हैं और अभी यहाँ पे इनका जो है पर्चा बनवाएंगे नया, उसके बाद फिर हम लोग अब आगे का प्रोसेस होगा। तो हम आके यहाँ पे बैठ गए हैं, इनका नंबर काफ़ी लेट में है और यहाँ पे हमेशा खचाखच भीड़ रहती है। हम तो सिर्फ छुट्टी के दिन ही आ सकते हैं क्योंकि इनके डैडी को जल्दी से छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो हम संडे को ही आ सकते हैं यहाँ पर, तो संडे को ही यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी मैं लेके जा रही हूँ कुछ पर्चे जो हैं चीकू के अंदर, और इनकी बारी आ गई है इनको दिखाने की, तो चलिए फटाफट से इनको दिखा लेते हैं। और बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इनकी आँख जो है चेक होती है कई जगह पे, कई मशीनों में अलग अलग तरीके से जांच होती है, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं तो बहुत टाइम भी लग जाता है, अच्छे से बता नहीं पाते हैं कोई चीज़। और यहाँ पर डॉक्टर लोग भी काफ़ी सहयोग करती हैं, लेकिन इनको अच्छे से समझ नहीं आता है कि कैसे क्या चीज़ बताना है, अभी बहुत छोटे हैं, थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें समझेंगे और अच्छे से बताएंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर इनको बता रही हैं कि एक आंख बंद करके, और पीछे देखिए नंबर्स रहते हैं, नंबर्स हो या लेटर्स हो तो उसे पढ़ना होता है और इनको बताना होता है, उसी हिसाब से ये जब बताएँगे तो इनकी आँख का मतलब पता चलेगा कि कितने नंबर का इनको चश्मा लगना है। और यहाँ पे इनके डैडी भी बोल रहे हैं कि देखकर बताओ, तो हम हैरान हो जाते हैं इनको समझाने में, लेकिन उसकी भी गलती नहीं है, अभी छोटा है तो उतना समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे अभी एक जांच हो गई है एक बार, और उसके बाद फिर अभी हमें बैठने के लिए बोल दिया गया है और उसके थोड़ी देर बाद फिर से इन्हें बुलाया जाएगा, और अभी इनकी आँख में कोई दवा भी पड़ेगी, उसके बाद फिर आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आके बैठ गए हैं और गौरी यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो काफ़ी बोरिंग लगता है यार हॉस्पिटल में जाना, लेकिन अपनी फैमिली में किसी को कोई भी दिक्कत हो जाए तो आपको करना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। तो फिर से चीकू को बुलाया गया है और यहाँ पर इनकी जाँच फिर से होनी है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर डॉक्टर ने पूछी और उसे इनके जो है पर्चे पर लिखा, और ये आ गए हैं अगली जगह, अपनी अगली सीट पे। तो यहाँ पे भी इनसे कुछ पूछेंगे डॉक्टर, और ये दूसरी डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे अब इनके जांच की जो है प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और इनकी बदमाशी चालू रहती है,
एक जगह बैठने नहीं चाहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं ये क्या चीज़ है मम्मा, वो क्या चीज़ है। तो डॉक्टर जो भी अपना समझाते हैं इनको, वो चीज़ें तो समझ नहीं आती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी छोटा है तो इसलिए ये भी उतने अच्छे से समझ नहीं पाता है चीज़ों को। गाइस तो हॉस्पिटल काफ़ी महंगा है, और महंगा है लेकिन बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे इनका इलाज हो रहा है। तो हम लोग पिछले 1.5 साल लगभग 2 साल से इन्हें यहीं पे दिखा रहे हैं। तो और इनकी आँख में अभी कुछ हो नहीं सकता है, बड़े होंगे उसके बाद ही कुछ कोई चीज़ हो सकती है। तो अभी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा इनकी दवा चेंज होती है और चश्मा जो है, चश्मे का नंबर बढ़ता है घटता है जो भी, तो चश्मा उसी हिसाब से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे फिर से इनकी जांच हो रही है और बहुत अच्छी, यहाँ पे जो डॉक्टर लोग हैं बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे चीकू सुस्त पड़ गया है, उसकी आँख में दवा पड़ गई है तो उसे आँख बंद करके लेटना है। तो इनके डैडी इनको चिपका के बैठे हुए हैं और हम दोनों यहाँ पे अपना फ़ोन चला रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे चीकू भी काफ़ी थक गया है और 2-3 घंटे हो गए हम लोग को यहाँ आए, तो हम लोग भी काफ़ी बोर हो गए बैठे बैठे। और यहाँ पे फिर से बुलाया गया है, आँख में दवा पड़ी थी उसके आधे घंटे बाद, 30 मिनट बाद इनको फिर से बुलाया गया है और यहाँ पे फिर से इनकी जांच हुई और इनको लेके हम लोग आ गए हैं बेसमेंट में। तो बेसमेंट में जो डॉक्टर बैठते हैं अब उनको दिखाना है। तो यहाँ पे इनका शूज़ वगैरह हमने उतार दिया है क्योंकि बार बार सीट पर बैठाना पड़ता है, तो इसलिए हमने इनका शूज़ उतार दिया है। और ये हैं जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं यहाँ के, तो अब ये टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे इनकी जांच हो गई है, डॉक्टर ने बोला कि आप लोग फालतू का परेशान मत होइए, अभी वो छोटा है तो उसकी जो है चश्मे का नंबर कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होइए और आप दिखाते रहिए जब भी उसका टाइम दिया जाए दिखाने के लिए। तो बस हम लोग वहाँ से दिखा के और निकल चुके हैं हॉस्पिटल से, हमने फिर से कैब करी और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जहाँ हमें चीकू को दिखा के जहाँ पे जाना था वहाँ अब हम लोग निकल चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे जहाँ पे हम लोग जाएंगे अब। सो गाइस जिनको लखनऊ आना जाना होता है और जो यहाँ रहते हैं उन्हें तो अच्छे से पता होगा, और जो नहीं आते जाते हैं मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि ये लखनऊ का स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, और यहाँ पे अक्सर अब क्रिकेट होता रहता है और इसका नाम है इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और गाइस उसके जस्ट बगल में ये है प्लासियो मॉल और ये बहुत बड़ा मॉल है, तो अभी तक का लखनऊ में सबसे बड़ा मॉल यही था, सबसे अच्छा और सबसे बड़ा यही मॉल लगता था, लेकिन अब इससे भी बड़ा कोई आ गया है और अब हम वहीं जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग लुलु मॉल आ गए हैं, और जब से हम लोग लखनऊ आ रहे हैं, यहाँ आ गई हूँ मैं यूपी में, तो अक्सर हमारा आना जाना लगा रहता है, तो हम लुलु मॉल आ गए हैं और अगला जो पार्ट होगा वो लुलु मॉल का ही होगा पूरा। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अभी बस हम लोग अब अंदर जा रहे हैं और जो भी होगा अगले पार्ट में आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।